आपका शुभ नाम क्या है, पूरा नाम? मेरा पूरा नाम विजय टहलानी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं पेशे से बिल्डर हूँ और बिहार से काफ़ी जुड़ाव रहा है मेरा, और बेसिकली बिहार से ही बिलोंग करता था बट दिल्ली शिफ्ट कर गया। विजय टहलानी जी, आप बताइए कि आपका ब्रदर इन लॉ जो अक्यूट आर्ट डिसीज उनका था और वो एलोपैथिक मेडिसिन से क्योर नहीं हो रहा था, आप मिरेकल ड्रिंक्स का कुछ दवा ले करके उनको दिए थे, इस संदर्भ में थोड़ा बताइए ताकि एंटायर विश्व जो है किस तरह से मिरेकल ड्रिंक्स आर्ट डिसीज में उपयोग होगी उसको जानकारी मिले और उसका उपयोग ले। मेरे जीजा जी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था करीब 1.5 साल पहले, और उनका इलाज, चूँकि गोरखपुर में रहते हैं, करीब 55 साल की उम्र है, और उनको गोरखपुर से डॉक्टर ने दिल्ली रेफ़र किया। दिल्ली नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में हमने डॉक्टर विनोद शर्मा को दिखाया था, जो काफ़ी अच्छे हार्ट के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। उस दिन तो वहाँ इलाज चला, उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी घर शिफ्ट कर लीजिए और जब ऑपरेशन का मन हो, क्योंकि अब उनकी तीनों आर्टरी जो है ब्लॉक हो चुकी हैं और उसमें सोडियम भी जम गया है, जब भी आपका ऑपरेशन का मन हो, जब बाईपास करने का मन हो, तभी हॉस्पिटल दोबारा लाइएगा। तो इस बीच में आपका मिरेकल ड्रिंक्स के बारे में सुना था, चूँकि इसके इन्वेंटर जो मिस्टर एस एम राजू हैं, सीनियर आईएएस हैं बिहार के, वो हमारे काफ़ी अच्छे मित्र भी रहे हैं, उन्होंने बताया था कि ये दवाइयाँ काफ़ी सारी इस रोग के अलावा और कई लोगों में फ़ायदेमंद हैं। तो मैंने जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के लिए वो दवाई यूज़ की कि एक बार आ दवाई यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सेफ दवा है, और कोई भी एलोपैथिक दवा चलती भी रहे तो इसका कोई हानि नहीं होता है मरीज को। तो मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पे उनसे दवाई मंगवाई और उनको इलाज के लिए हमने वो दवा शुरू की उनकी। 5 से 7 दिन तक दवा चली, इस बीच में उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आए, और चूँकि वो उनकी काफ़ी बोली में भी लड़खड़ाहट हो गई थी और बहुत धीरे धीरे बोलते थे मेरे जिया जी, तो 5-7 दिन के अंदर में उनकी बोली काफ़ी स्ट्रांग हो गई, उनकी वॉइस काफ़ी क्लियर हो गई और काफ़ी लाउडली वो बोलने लगे जैसे पहले बोलते थे। फिर उनकी मूवमेंट बहुत कम हो गई थी, मूवमेंट उन्होंने 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट की, टहलना शुरू किया घर के आसपास, पहले छड़ी लेके टहलते थे, फिर उसके बाद छड़ी छोड़ दी उन्होंने, स्टिक छोड़ के उन्होंने टहलना शुरू किया। उसके बाद उनको, उन्होंने खुद बोला कि मुझे एक्सरसाइज करने में भी अच्छा लग रहा है और मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। फिर हमने डॉक्टर से भी सलाह ली तो उन्होंने कहा कि अगर ये काफ़ी फ़ायदा आपको दिख रहा है दवाइयों में तो आप इनको कंटिन्यू कीजिए। हमने उन दवाइयों को कंटिन्यू रखा, पहले 2 बार देते थे, फिर सर से पूछ के हमने उसको 3 बार किया और तीनों टाइम उनको दवाइयाँ देने लगे। जैसा जैसा सर ने एडवाइस किया था वैसा वैसा हमने उनको दवाइयाँ देना जारी रखा, तो काफ़ी स्पेक्टेकुलर चेंजेस हमें 1 महीने के अंदर नज़र आए। उसके बाद हमने करीब 40 दिन के बाद उनकी दोबारा से एंजियोग्राफी कराई। एंजियोग्राफी में उनकी 2 आर्टरी बिल्कुल 50% से नीचे आ गई थी, ब्लॉकेज 50% से कम हो चुका था, 1 आर्टरी में थोड़ा ब्लॉकेज था, बट इतना ज़्यादा चेंजेस देखने के बाद हमारे फैमिली मेंबर्स ने और वहाँ के डॉक्टर ने भी कहा कि इस दवा को आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हम लोग ऑफिशियली बहुत इसको नहीं बोल सकते लेकिन अनऑफिशियली ये दवा बहुत कारगर है, और उन्होंने भी इस दवा के बारे में हमसे जानकारी ली और उस दवा को उन्होंने कहा कि हम इसको अपने पेशेंट के लिए भी रिकमेंड करेंगे। और करीब 6 महीने तक हमने वो दवा मेरे जीजा जी को दी है, आज की डेट में वो काफ़ी अच्छा चल फिर रहे हैं और ऑलमोस्ट
कोई भी ऐसा डिजीज उनको विजिबल नहीं दिख रहा कि जिससे उनको परेशानी हो रही हो, टहल भी रहे हैं, सांस में लेने में भी कोई प्रॉब्लम अब नहीं है, हार्ट पंपिंग भी ठीक है, और अभी वो बट प्रिकॉशनली वो दवा फिर भी दो टाइम अब लेते रहे हैं, डोज उनकी कम कर दी गई है, बट बाई प्रिकॉशन उनको वो दवा अभी भी दी जा रही है ताकि उनके एज के हिसाब से वो दवा चलती रहे और उनको फायदा होता रहे। इस दवा के प्रयोग से मैं बहुत खुश हूँ और मैंने काफ़ी अपने रिश्तेदारों को भी ये दवा एडवाइस की है कि अगर हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस दवा को वो जरूर लें।